दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए काफ़ी कम शब्दों में डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ मसल वे प्रोटीन का, जो कि है हेल्थ फार्म का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने इसका एडवर्टीजमेंट इंस्टाग्राम फेसबुक पे बहुत ज़्यादा देखा होगा। आप लोगों के मन में आता हो भाई इसका एक बार ओनरशिप रिव्यू देखना जरूरी है, क्या किसी पर्सन ने यूज़ करा, उसकी बॉडी पर क्या बीती है। तो मैं आप लोगों के लिए इस चीज़ में हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ रखूंगा ताकि आप लोगों को अंदाज़ा लगे कि भैया मेरे ऊपर क्या बीती इस प्रोटीन को यूज़ करने के बाद। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैं अगर आप लोगों से बात करूँ इस प्रोटीन के बारे में, तो सबसे अच्छी चीज़ मेरे को पिछले वाले प्रोटीन से इसमें ये अच्छी लगी। पिछला प्रोटीन मेरा ये था, मतलब इससे पहले यूज़ कर चुका हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर इससे पिछला प्रोटीन जस्ट मेरा ये था और इससे पहले मेरा प्रोटीन फिर से ये वाला था। तो मतलब बीच में चेंज करा था क्योंकि थोड़ा बजट का इशू चल रहा था, तो चेंज करके वो लिया था, फिर से मैंने ये ले लिया। तो यहाँ पर हुआ क्या, उस वाले का यूज़ करा, उसका रिव्यू तो मैंने पूरा का पूरा चैनल पर डाल रखा है। ये प्रोटीन मात्र मेरे को 1000 रुपये में मिला था, आप एक बार जाकर के इसका रिव्यू देखें। फिर यहाँ पर बात करें अगर इस प्रोटीन की, तो ये प्रोटीन मेरे को पड़ा 3000 रुपये में 2 किलो। और यहाँ पर सच बताऊँ दोस्तों, यहाँ पर इस बार भी मेरे पास ज़्यादा बजट का जुगाड़ नहीं था, तो मैंने इसको सिंपल से 3 इंस्टॉलमेंट पर मंगाया था। क्योंकि भाई देखिए, जैसे ट्रेनर का जो हालत होती है, यहाँ पे होता है कि भाई ज़्यादा कई बार होता है कि भाई क्लाइंट फ्लक्चुएट करते हैं, ज़्यादा अर्निंग कई बार फ्लक्चुएट कर जाती है, तो ये सब चीज़ें होती है। तो यहाँ पर मैंने इसको 3 उसमें पार्ट में डिवाइड करा था। तो यहाँ पर मेरे को पर मंथ के हिसाब से इसके 950 रुपये अभी EMI भरनी है। अभी यहाँ पर 3 पार्ट में करा, पहली मंथ की भर दी, अभी 2 बाकी है। तो फिलहाल फिर वापस आते हैं पॉइंट पर। तो यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो कि मेरे को इस प्रोटीन के अंदर देखने को मिली, अब वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया ये वाला प्रोटीन मतलब इस तरह से मार्केटिंग करी जा रही है, लेने लायक है कि नहीं है। देखिए दोस्तों, एक ओनर होने के नाते, फिलहाल एक छोटे से प्रोटीन के ओनर होने के नाते अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे मेरे को सबसे अच्छी चीज़ तो भाई ये लगती है कि भाई जब भी प्रोटीन हम लेते हैं तो भैया वो एक कंटेनर में आना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। घर में कई बार कंटेनर नहीं होता है, घर में जो पुराने प्रोटीन के बॉक्सेज होते हैं वो तो भाई माता जी यूज़ कर ही रहते हैं, उसके अंदर दाल चावल राशन पानी रखा रहता है, तो उसको तो नहीं छेड़ सकते। तो यहाँ पर जब इस तरह से पाउचेस आते हैं तो थोड़ा दिक्कत करते हैं, चाहे 2 kg के पाउच हो चाहे 1 kg के पाउच हो, हवा लगने से प्रोटीन ख़राब हो जाता है। तो ये कंटेनर में जो आ रहा है ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि प्राइस हम उतना ही पे कर रहे हैं, तो हमें अगर बॉक्स मिल जाए तो भाई बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं इस प्रोटीन के बारे में। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ तो है भाई ये बॉक्स के अंदर मिला है, दूसरी चीज़ यहाँ पर बात करें इसके सर्विंग की, तो यहाँ पे मेरे को 3000 रुपये में 57 सर्विंग देखने को मिली, जो कि काफ़ी सही है, बुरी बात नहीं है। 19-20 का ही फर्क है, उसमें भी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इधर उधर सर्विंग देखने को मिली थी, इसमें 57 देखने को मिली, जो बड़ी आराम से मेरा 1-1.5 महीना आराम से निकाल देगी, क्योंकि मैं एक सर्विंग कभी 2 सर्विंग लेता हूँ, बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अब बात करें यहाँ पे, अगर मैंने इसको जब यूज़ करा इसके डेंसिटी की, मतलब इसकी थिकनेस कैसे, जब इसको हम पानी में डालते हैं, तो आप सामने स्क्रीन पे खुद देख सकते हैं जो इसकी डेंसिटी मेरे को देखने को मिली, ठीक ठाक देखने को मिली, काफ़ी लाइट सी। अगर मैं आपको बताऊँ, मतलब जो पिछला जो प्रोटीन था नागपुर वाला, उसका अगर मैंने रिव्यू करा था, तो उसमें मेरे को देखने को मिला था कि उसकी डेंसिटी है थोड़ी ज़्यादा थी, और ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई बहुत अजीब सी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत अजीब सा स्वाद आ रहा हो बैकग्राउंड में, बहुत मतलब स्लिपरी स्लिपरी सा कई बार होता है, वो चीज़ मेरे को देखने को नहीं मिली। क्वालिटी टेस्ट वाइज बहुत बढ़िया, पर यहाँ पर इसमें यह था कि ये प्रोटीन है काफ़ी लाइट सा, जिन लोगों को लगता है भाई प्रोटीन ये होना चाहिए, हैवी होना चाहिए, तो एक्चुअल में देखिए दोस्तों, सभी प्रोटीन का टेक्सचर अलग होता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसका टेक्सचर काफ़ी लाइट सा था, पिया बहुत लाइट सा था, हल्का लगा, फ्लेवर हल्का सा आया, ऐसे नहीं कि भाई बहुत आपको लगा कि भाई बहुत ज़्यादा फ्लेवर आया, फ्लेवर मेरे को लाइट सा लगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे को फ्लेवर लाइट सा लगा, ऐसा कुछ नहीं। मेरे पास मौजूद है चोको क्रंच फ्लेवर, और यहाँ पर मेरी जो पर्सनल चॉइस है, एक तो मेरे को नागप्रो का पहली बार फ्लेवर वाला प्रोटीन पसंद आया कोई, क्योंकि फ्लेवर प्रोटीन वाला मतलब मेरे तो ऐसी तैसी हो जाती है, क्योंकि फ्लेवर प्रोटीन बजट की बात करें भाई, देखिए बजट ज़्यादा नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, बजट ज़्यादा नहीं होता तो कम बजट में अच्छे प्रोटीन के फ्लेवर ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, नागप्रो उनमें से एक है मेरे को पसंद आया, और दूसरा ये वाला। बाकी किसी का भी अगर मैं बताऊं, जितने भी प्रोटीन बजट वाले ट्राई करें, किसी का भी फ्लेवर पसंद नहीं है, सबको बस झेला मैंने, किसी का स्ट्रॉबेरी कैरामेल, किसी का कुछ कभी कुछ, तो वो झेला। इसका चोको क्रंच फ्लेवर काफ़ी सही लगा, और क्योंकि इसके अंदर कुछ क्रंचेज वगैरह पड़े हैं जो खाते हैं प्रोटीन के साथ, तो आपको थोड़े से मतलब चबाने में आएगा, थोड़ा सा क्रंची क्रंची से लगेगा प्रोटीन पीते टाइम, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिली। अब बात करते हैं कि भाई इसको कंज्यूम करने के बाद क्या ब्लोटिंग सी महसूस होती है, तो नहीं, ब्लोटिंग वोटिंग कुछ भी नहीं होती। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि भाई मेरे को तो कुछ देखने को नहीं मिला। मैंने इसको मिल्क के साथ ट्राई करके देखा, वाटर के साथ ट्राई करके देखा, कोल्ड वाटर के साथ ट्राई करके देखा, कोल्ड मिल्क के साथ ट्राई करके देखा, किसी में भी प्रॉब्लम मेरे को देखने को नहीं मिली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। फिर यहाँ पर एक चीज़ और,
जो कि इस प्रोटीन को काफ़ी ज़्यादा अलग बनाती है, जो कि है इसकी सर्विंग में 26 ग्राम प्रोटीन। बाकी प्रोटीन की पर सर्विंग में आपको जो इस प्राइस में देखने को मिलता है उसमें आपको देखने को मिलता है कितना ग्राम, 23 ग्राम, 24 ग्राम, 23.5 ग्राम प्रोटीन। पर यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलता है कितने ग्राम की सर्विंग, आपको देखने को मिलती है यहाँ पे अप्रॉक्स अगर मैं बताऊँ 35 ग्राम की सर्विंग, और यहाँ पे आपको देखने को मिलती है 26 ग्राम प्रोटीन इस प्रोटीन के अंदर पर स्कूप में। और इसमें हमें देखने को मिलती है 45 ग्राम की सर्विंग, और यहाँ पे हमें प्रोटीन देखने को मिलता है 24 ग्राम। देख सकते हैं जमीन आसमान का फर्क है प्रोटीन की सर्विंग साइज का। 35 ग्राम में यहाँ पे हमें 26 ग्राम प्रोटीन, और उसमें हमें 45 ग्राम में 24 ग्राम प्रोटीन। अब आप देख सकते हैं, मतलब जाहिर सी बात है लंबा चलेगा, जाहिर सी बात है थोड़ा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि भाई सर्विंग साइज कम होगी, क्वालिटी ज़्यादा होगी प्रोटीन की। पर नो डाउट, मैं फिर से नहीं कहेंगे भाई उस वाले में कुछ दिक्कत है, मैं एक चीज़ आपको बता रहा। फिर यहाँ पे बात करें एक चीज़ और जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, खासकर स्टूडेंट के लिए, जो लोग कहते हैं भैया प्रोटीन तो ये हो गया, छोड़ दिया, ये हो गया, वो गया, दिक्कत हो गई। तो भैया दिक्कत दिक्कत कुछ नहीं होती, सब चीज़ का अपना अपना फ़ायदा नुकसान होता है। आप इतना आगे बढ़ गए हैं, सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, आप टाइम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो सब चीज़ ट्राई करनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोटीन ट्राई करें। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि भाई इसकी लैब रिपोर्ट में फेल है, ये हुए, तो लैब रिपोर्ट में जो मैंने चेक करा था, ऑनलाइन भी रिसर्च वगैरह देखी थी, वहाँ पे तो मेरे को कहीं इसकी फॉल्स रिपोर्ट देखने को तो नहीं मिली मेरे को, मतलब जो मैंने नोटिस करा तभी मैंने इसको ट्राई करा, कुछ फॉल्स चीज़ देखने को नहीं मिली। बाकी मैंने अपने ऊपर जो जो चीज़ें बीती वो सारी मैंने आपको बता दी भाई, मिक्सिबिलिटी कैसी है, क्या क्या कैसी चीज़ें हैं। अगर आप लोग इसको ट्राई करके देखना चाहें तो आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं, मेरे को तो काफ़ी ठीक लगा। ये तो था दोस्तों मेरा पर्सनल रिव्यू इस प्रोटीन के रिगार्डिंग, मेरे को क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, और कह सकते हैं दोस्तों स्टूडेंट के लिए एक बेस्ट वे प्रोटीन हो सकता है। जिन लोगों का बजट ज़्यादा नहीं है, कम में आपको चाहिए, तो ये प्रोटीन आप लोगों के लिए बेस्ट हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया ना भाई, मैंने EMI पढ़ लिया, आप लोग भी ट्राई करके देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।